नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास। धौलपुर पंचायत समिति में गुरुवार को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारियों ने जिलाध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर के मुख्य आतिथ्य व उप शाखा अध्यक्ष परिमाल गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर वादा खिलाफी आक्रोश दिवस मनाया। वहीं अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर ने कहा कि जिले की सभी पंचायत समितियों में ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। पूर्व में ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से प्रशासन गांव के संघ अभियानों का पूर्ण बहिष्कार करते हुए आंदोलन के दौरान शासन एवं सरकार की ओर से संगठन के किए गए लिखित समझौते को लागू नहीं कर ग्राम विकास अधिकारियों से विश्वासघात किया है, जिसके कारण आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने आज वादा खिलाफी आक्रोश दिवस मनाते हुए अपनी मांगे माने जाने तक चरणबद्ध तरीके से संघर्ष करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुमोदन के 9 माह बाद तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री महोदय के स्वहस्ताक्षरित समझौते एवं 6 माह बीत जाने के बाद भी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, जबकि उच्चाधिकारियों ने 30 दिवस में मांगों का निस्तारण करने का लिखित आश्वासन दिया था। उन्होंने बताया कि मांगे नहीं माने जाने से ग्राम विकास अधिकारियों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। उपशाखा के मंत्री हरेंद्र त्यागी ने कहा कि आंदोलन के समयबद्ध 4 चरण होंगे, जिनके माध्यम से सरकार को लिखित समझौते की पालना करने के लिए सावचेत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने फिर भी ग्राम विकास अधिकारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो ग्राम विकास अधिकारी संघ की संघर्ष नीति बनाकर आर और पार की लड़ाई लड़ेगा। इस अवसर पर संघ के पूर्व ब्लॉक मंत्री नरेंद्र श्रीवास्तव, लोकेंद्र जगदीश त्यागी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राम गोपाल चाट समेत अनेक ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। ये है मांगे। ग्राम विकास अधिकारियों की मुख्य मांग वेतन विसंगति को दूर कर ग्रेड पे 3600 करना, एसीपी के स्थान पर चयनित वेतन मान लागू करना, अंतर जिला स्थानांतरण नीति जारी करना, सहायक विकास अधिकारी के 671 पद सृजित करना, 2 वर्षों से लंबित पदोन्नतियां करना समेत 8 सूत्रीय मांग पत्र है। धौलपुर से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।